हेलो फ्रेंड्स, मैं साहब डॉक्टर सुनील तंवर, कंसल्टेंट ENT एंड राइनोप्लास्टी सर्जन। दोस्तों, बात करते हैं, क्या मुझे हियरिंग एड लगाना चाहिए? क्या मुझे हियरिंग एड ज़रूरी है? दोस्तों, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दिए कि बेल आइकॉन को प्रेस करना एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले अनेक ऐसे उपयोगी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों, बहुत बार जब हमारे OPD में पेशेंट्स आते हैं, पेशेंट्स जिसको जब प्रॉब्लम होती है एंड वी एडवाइस टू द हियरिंग एड, पेशेंट कहता है नहीं सर, हियरिंग एड नहीं लगाना। हम महंगा चश्मा लगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट हियरिंग एड, बिकॉज दैट इज़ ए सोशल स्टिग्मा। सो दोस्तों, चलो बात करते हैं और इसको समझना है कि क्या मुझे हियरिंग एड लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों, हियरिंग एड की सबसे पहली ज़रूरत कब है और कब लगाना चाहिए। दोस्तों, जब हमें डॉक्टर के पास हम हियरिंग की प्रॉब्लम करके को जाके कंसल्ट करते हैं कि मुझे सुनाई कम देता है, जब दोस्तों पेशेंट डॉक्टर के पास आता है तो हम लोग उसको पेशेंट को एक PTA प्योर टोन ऑडियोमेट्री टेस्ट कराया जाता है, जिससे हमें ये पता लग जाता है कि हमारे जो पेशेंट है उसको जो है कान के अंदर जो सुनाई कम दे रहा है वो किस कारण से दे रहा है। अमूमन वो क्या कारण हो सकते हैं, या तो उसके कान के पर्दे के अंदर कोई छेद हो सकता है, या कोई वैक्स हो सकता है, या कोई जो कान का जो पर्दा है वो चिपका हुआ हो सकता है, या हमारे जो कान की नर्व है जिसको हम नाड़ी कमज़ोर होना बोलते हैं वो भी वीक हो सकती है। सो दोस्तों, अमूमन ये 4-5 कॉमन कारण होते हैं जिससे हमें डिक्रीज हियरिंग होता है। अगर कान के अंदर हमारा वैक्स है तो उसको क्लीन हमने कर दिया, अगर कान के अंदर कोई पर्दे में है तो पर्दे को प्रॉब्लम को जो है ठीक करने के लिए पेशेंट को बोलते हैं। बट कई बार दोस्तों, कान में वैक्स भी नहीं होता, कान का पर्दा भी ठीक होता है, कान का पर्दा चिपका हुआ भी नहीं है, एंड फिर भी हमें डिक्रीज हियरिंग होता है, एंड हमें डे टू डे एक्टिविटी में प्रॉब्लम होती है। ऑफिस में हमारे को कोई बात नहीं करना चाहता, या हम एग्जीक्यूटिव हैं तो हमारे बॉसेज को जो हमारी प्रेजेंटेशन देनी है तो भी इरिटेशन होता है। बहुत बार दोस्तों, ये जो लॉयर हैं वो भी आते हैं कि जज साहब बोलते हैं मेरे को सुनाई नहीं देता बहस के दौरान। अगर आप एक डायनेमिक पर्सनालिटी हैं और आपको डे टू डे एक्टिविटी में प्रॉब्लम हो रही है, सो दोस्तों, अगर आपको डॉक्टर ने हियरिंग एड एडवाइस किया है, डेफिनेटली गो फॉर द हियरिंग एड, आपको हियरिंग एड लगाना चाहिए। अब वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्यों लगाना चाहिए। नंबर वन दोस्तों, अगर आप एडवाइस के बावजूद हियरिंग एड नहीं लगाते हैं तो आपका जो सिस्टम है वो स्ने और वीक बढ़ता ही जाएगा, वो आपकी कमजोरी आपकी बढ़ती ही जाएगी। एंड जब वो कान की जो हमारी नर्व है, क्योंकि उसमें मिलियंस फाइबर होते हैं, और उन फाइबर में जब कुछ फाइबर्स वीक होते हैं और बढ़ते जाते हैं तो इसके अलावा कई सारी और प्रॉब्लम हमें क्रिएट होती हैं। वो क्या है कि जब आप एकांत में होते होते वो कान में क्या है, रिंगिंग साउंड्स आना स्टार्ट हो जाती है, सही 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 इस टाइप की। जब वो नर्व और वीक होती है तो उसके अंदर क्या है कि आपको जो है वो वर्टिगो को प्रॉब्लम भी हमें क्रिएट हो जाती है। एंड जब ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं, जब पेशेंट के टॉलरेंस से बाहर मामला होता है, देन पेशेंट कम डॉक्टर साहब आप तो वो लगा दीजिए। दोस्तों, अभी अगर आप लगाओगे तो वो रिजल्ट नहीं आया जो पहले आप लगाते, इसलिए आपको क्या है, समय पे अगर डॉक्टर ने बताया है तो हमें हियरिंग एड लगाना चाहिए। बता देता हूँ क्लियरिफिकेशन कि मैं अगर हियरिंग एड लगाऊंगा तो मेरे को सबको पता लग जाएगा, मेरे को ऑफिस में लोग मजाक उड़ाएंगे या मेरे को बुरा लगेगा। दोस्तों, आजकल मैं आपको बताऊँ, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बहुत पॉलिटिशियन ऐसे हैं जो हियरिंग एड लगाते हैं, आपको पता भी नहीं लगता, बिकॉज विज्ञान के आविष्कार के कारण ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ऐसे ऐसे चीज़ें, हियरिंग एड्स आजकल इतने बटन जितना सा हियरिंग एड होता है जो ईयर के अंदर लगता है, एंड दैट इज़ नॉट विजिबल, वो आपको विजिबल नहीं होगा। एक BT हियरिंग एड्स होते हैं जो बिहाइंड द ईयर वियर किए जाते हैं कान के पीछे, वो एक नॉर्मल ओल्ड पर्सन है जिसको कोई एग्जीक्यूटिव मीटिंग्स में नहीं जाना, जिसको उन सब चीज़ों से मतलब नहीं है, वो उसके लिए है। बट एक जो एग्जीक्यूटिव क्लास है वो थोड़ा सा कॉस्टली आता है। अमूमन जो है हियरिंग एड की जो है कॉस्ट जो है वो आप ये मान के चाहिए कि 8-10 हज़ार से लेके लाख रुपए तक भी आती है। वो डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का हियरिंग एड लेते हैं, कितने चैनल का लेते हैं, क्योंकि हियरिंग एड में क्या है कि जितनी उसकी कॉस्ट, जितनी उसकी जो है साइज छोटी होती है और जितने उसके चैनल्स बढ़ते जाते हैं उसकी एक्यूरेसी बढ़ती जाती है, उसकी कॉस्ट बढ़ती जाती है। ये एक मोटा मोटा हियरिंग एड के अंदर बेसिकली क्लियर। बट अगर डॉक्टर ने आपको बताया है तो हमें हियरिंग एड्स लगाने चाहिए।
हमारे कान का जो सुनाई का जो टेस्ट है हर 6 मंथ में आपको कराना चाहिए, एंड दैट शुड बी डॉक्यूमेंटेड। आपको अपना संभाल के रखना चाहिए जिससे हम 2 साल बाद ये देख पाएँ कि पहले मेरे को इतना था, अभी इतना है। अगर आपने दोस्तों हियरिंग एड नहीं लगाया अगेंस्ट द बिल, और एक दिन आप जब बाद में लगाओगे तो उस टाइम पे बहुत देर हो चुकी होगी जब हमारा कान बहुत कमज़ोर हो जाएगा। सो दोस्तों, जैसा आपने जाना कि अगर डॉक्टर ने हियरिंग एड अगर एडवाइज़ किया है तो डेफिनेटली मुझको लगाना चाहिए, और हमारे को कब लगाना चाहिए यह भी हमने जाना। और अगर मुझको लगाना है, मेरे को बाहर विजिबल नहीं है, तो भी मैंने बताया कि इन द कैनाल वाले जो हियरिंग एड है वो आप लगा सकते हैं। सो डेफिनेटली दोस्तों, दिस इंफॉर्मेशन इज़ यूजफुल फॉर यू, एंड यू कैन शेयर टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जो बहुत सारे लोग हियरिंग एड लगाना चाहते हैं लेकिन नहीं लगा पा रहे, उनके लिए ये बहुत उपयोगी है। सो डेफिनेटली जल्द से जल्द इसको हमें शेयर करनी चाहिए, एंड आई थिंक दिस इंफॉर्मेशन इज़ रियली यूजफुल फॉर यू। थैंक यू।